जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली सैमसंग अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर चुका है, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के क्या क्या प्राइसेस हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों हम लोगों को इन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ से परचेस करना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों Xiaomi भी अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया था, Mi Mix 4 5G। वीडियो बना दिया था कल रात को, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 से। देखो यार, मैं हमेशा जब भी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का वीडियो बनाता हूं तो आपको एक बात जरूर कहता हूं मैं, देखो यार फोल्डेबल स्मार्टफोन की स्पेशलिटी यही होती है कि वो फोल्ड कर सकता है, अदरवाइज आपको स्पेक्स देने के मामले में वो पीछे चला जाता है। यही हाल सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 के साथ भी हुआ। ये दोस्तों बहुत ही प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है, नो डाउट, देखने में भी अच्छा है, स्पेक्स भी बहुत अच्छे दे देता है, लेकिन मैं अगर 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं ना तो मेरे को स्पेक्स भी उसी रेंज के चाहिए, ठीक है। तो वही वाला हाल यहाँ पर हो गया, आपको स्पेक्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। डिस्प्ले वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 7.6 इंच का सैमसंग डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिल जाता है QXVGA रेजोल्यूशन के साथ। ये बहुत ही खराब बात है, अच्छी बात नहीं है यार, अच्छे रेजोल्यूशन के साथ अगर स्मार्टफोन को लॉन्च करते तो अच्छा लगता, क्यों इतना नीचे गिरा हुआ हम लोगों को रेजोल्यूशन दे दिए, ये तो चांद में एक तरह से दाग लगने की तरह हो गया। तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, लेकिन डिस्प्ले की जो दोस्तों टाइप्स हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पर चूज किया सैमसंग। अब सैमसंग का यार फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देगा ना, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, 1200 nits का पीक ब्राइटनेस है। अच्छा यार आप बार बार अच्छा मत बोला करो, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। पूरी बात सुनो, आप दोस्तों जब स्मार्टफोन को बंद कर दोगे ना, जो आगे वाला डिस्प्ले है 6.2 इंच का, वही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस के स्क्रीन प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगा। जब आप खोल दोगे वो दोस्तों कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ नहीं आता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें और स्पेक्स के बारे में, बस इतने स्पेक्स हैं, और हाँ 374 का PPI है। देखो यार आप जब भी दोस्तों कुछ भी काम कर रहे होगे, गेमिंग कर रहे होगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, तो आपका दोस्तों जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा काफी इनहेंस हो जाएगा, और काफी बड़ा डिस्प्ले तो काफी इमर्सिव भी हो जाएगा, और आप बहुत सारे काम भी करोगे तो आपका दोस्तों जो एक्सपीरियंस होगा काफी स्मूथ होगा, और बहुत अच्छे लेवल का आपको पीक ब्राइटनेस मिल जा रहा है, तो आउटडोर भी लेके जाओगे तो सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से उतने अच्छे स्पेक्स नहीं दे पा रहा है। अगर आगे की डिस्प्ले की बात कर लें कवर डिस्प्ले के बारे में, तो 6.2 इंच का वही डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बस दोस्तों और कोई भी स्पेक्स आपको नहीं मिलते हैं। आगे कम से कम कोई अच्छे ब्राइटनेस लेवल्स दे देते यार तो अच्छा लगता, HDR 10 प्लस को भी दे देते तो और भी मजा जाता, आगे से भी डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में, तो कैमरा वाइज कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन आग है आग, एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के कैमरास मिल जाते हैं, हालांकि सैमसंग बताया नहीं कि वो कौन से सेंसर्स को यूज किया है। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। अगर सेल्फी की बात कर ले तो कवर डिस्प्ले में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले के साथ, जो दोस्तों एक वाइड एंगल लेंस है। अगर आप दोस्तों खोल दोगे तो आपको वहां पर 4 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा, जो दोस्तों एक अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आया है। ये दोस्तों सैमसंग का ही टेक्नोलॉजी है, मैं आपको इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो Xiaomi का दोस्तों Mi Mix 4 है ना, वही सेम टेक्नोलॉजी यहां पर भी यूज किया गया है, एंड ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जितने भी अंडर डिस्प्ले कैमरास वाले फोन होंगे वो ज्यादातर इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे। यहां पर होता बेसिकली यही है कि जहां पर दोस्तों सेल्फी कैमरा है वहां जितने भी पिक्सल्स हैं अपने ब्राइटनेस लेवल्स को कम कर लेते हैं, और आपका सेल्फी कैमरा विजिबल हो जाता है, आपके सेल्फीज को ले लेता है, जितने भी डेटा है उसको सेल्फी सेंसर तक पहुंचा देता है, एंड दोस्तों आपका सेल्फी ले लिया जाता है। बेसिकली जब आप स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस है उसको कम ज्यादा करते हो ना, तो ब्राइटनेस कम ज्यादा आप कर सकते हो, वैसे ही दोस्तों जब भी आप सेल्फी लेने जाओगे जो सेल्फी कैमरा का जो दोस्तों एरिया होता है वहां पर जितने भी पिक्सल्स रहेंगे अपने आपको बंद कर लेंगे, तो आपका जो सेल्फी कैमरा है वो विजिबल हो जाएगा, एंड दोस्तों तभी आप देख सकते हो जो सेल्फी कैमरा है उसके दोस्तों मतलब कि जो होल है उसको देख सकते हो जब आप सेल्फी लेने जाओगे, ऐसे दोस्तों आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उतना मालूम नहीं चलेगा। तो यही टेक्नोलॉजी है अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी, एंड कल इसको समझाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था,
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब इतने पैसे दे रहे हो लेकिन फिर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। सैमसंग को यहाँ पर एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए था। अब आप बोलोगे सुफियान भाई ये तो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, यहाँ पर कैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लग जाएगा। मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जो खुला हुआ है ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो कवर्ड डिस्प्ले है वहाँ पर तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे सकते थे, लेकिन कैसे करेगा सैमसंग? सैमसंग अगर सब कुछ इसी वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ कर लेगा तो अगली बार क्या कह के बोलेगा कि हम इम्प्रूव किए हैं? जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 जब आएगा या फिर 5 जब आएगा, तब दोस्तों वहाँ पर बोलेगा ना कि हम यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रहे हैं। तो सब कुछ दोस्तों इसी वाले वर्जन में इंप्रूव नहीं कर देगा, कुछ अगले वाले वर्जन के लिए छोड़ेगा। देखिए सैमसंग की स्ट्रेटजी है यार, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। UFS 3.1 का शोर सपोर्ट मिल जाता है, LPDDR5 RAM टाइप देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 4400 mAh का बैटरी मिल जाता है, 25 वॉट के वायर्ड चार्जर को सपोर्ट करता है, 10 वॉट के वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करता है, 4.5 वॉट के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और जितने भी चार्जर्स हैं ये सारे के सारे आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। यार रिवर्स चार्जिंग को छोड़ देना, वो तो चार्जर नहीं है, जो वायर्ड और वायरलेस चार्जर है, वायर्ड चार्जर 25 वॉट का वो बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्स के अंदर केवल और केवल आपको स्मार्टफोन ही देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं, यूजर मैनुअल मिल जाएगा। और एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, One UI 3.5 के साथ रन करेगा, NFC का भी सपोर्ट है, Wi-Fi 6 का भी है, और यहाँ पर आपको Dolby Atmos के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो आप तेज तेज गाने सुन सकते हो बहुत ही तेज आवाज में, मजा ही आ जाएगा, पूरा होम थिएटर वाला फीलिंग आएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो एक साथ दोनों स्मार्टफोन्स का बात कर लेते हैं, Z Flip 3 का भी और Z Fold 3 का भी, क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेसर के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 888 मिल जाता है, जो 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 660 का GPU मिल जाता है। देखो यार मेरे को बहुत अच्छा लगा कि Snapdragon 888 को ही वो चूज किया, सैमसंग चूज किया अपने दोनों ही स्मार्टफोन्स में। देखो यार 888 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में हम लोग एक साथ बहुत सारे ऐप्स को यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो 888 जो दोस्तों है वो बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा, जिसके कारण आपका जितना भी स्मार्टफोन में काम हो रहा है वो स्लो नहीं होगा, मक्खन के जैसे चलेगा। चाहे आप फ्लिप को ले लो चाहे आप फोल्ड को ले लो, एक साथ बहुत सारे ऐप्स को यूज करोगे मुझे मालूम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रुकावट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। कुछ भी कहो यार, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 के कंपैरिजन में बहुत ही इंप्रूव हो चुका है, पतला हो चुका है, हल्का हो चुका है, देखने में अच्छा लगता है, एंड डिजाइन वाइज भी काफी अच्छे लुक्स देता है। कैमरा हाउसिंग काफी सिंपल है, क्लासिक लुक्स देता है, क्लासिक कलर्स में भी अवेलेबल है। आगे से देखोगे तो कवर्ड डिस्प्ले भी देखने में अच्छा लगता है, कर्व्ड है, थोड़ा सा कर्व्ड कर्व महसूस होगा, अच्छा लगता है देखने में। और दोस्तों हिंज से कनेक्टेड है तो अलग ही स्पेशल लुक देखने को मिल जाता है, जब खोल दोगे तो आपको दोस्तों कोई भी पंच होल नॉच वॉच देखने को नहीं मिलता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्लीन एकदम आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, टैबलेट वाला फील देगा, लेकिन आपको टैबलेट से बढ़ के फील देगा क्योंकि बेजललेस डिस्प्ले है, छोटे छोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं, एंड डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो ग्लास्टिक बैक के साथ आता है और आपको ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाता है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है, एल्युमिनियम हिंज मिल जाता है। मैं बताता हूँ जो आगे का डिस्प्ले है, कवर्ड डिस्प्ले, वहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप जब दोस्तों खोल लोगे तो आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वो फोल्डेबल एरिया है, वहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं लग सकता है। पीछे से देखोगे तो आपको ग्लास्टिक बैक देखने को मिलता है, जहाँ कैमरा हाउसिंग है, प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर रहेगा, जिसको दोस्तों सैमसंग ग्लास टिक कहता है। हाँ वो दोस्तों देखने में थोड़ा सा ग्लास का फील देगा, लेकिन वो है प्लास्टिक, चमकेगा लेकिन, तो ग्लास्टिक बैक के साथ आता है। एंड दोस्तों जो हिंज है वो सैमसंग का अभी तक का सबसे मजबूत हिंज है, एल्युमिनियम हिंज है और एल्युमिनियम फ्रेम है, तो बिल्ड वाइज भी बहुत ही अच्छा है। एंड ये दोस्तों वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है, ये दोनों वर्ल्ड के पहले स्मार्टफोन्स हैं जो IPX8 रेटिंग के साथ आते हैं, फोल्डेबल स्मार्टफोन होते हुए भी। तो 1.5 मीटर तक पानी में लेके जाओगे तो 30 मिनट तक टिक जाएंगे दोनों स्मार्टफोन, नहीं तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर पानी चला जाएगा। तो बस दोस्तों यही है कहानी बिल्ड और डिजाइन वाइज। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छोटे वाले भाई के बारे में, जो दोस्तों सबसे ज्यादा सेल होता है, जो सैमसंग के Z Flip सीरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं वो ज्यादा सेल होते हैं एज कंपैरिजन टू सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड सीरीज के स्मार्टफोन्स। तो Z Flip 3 का अलग ही रॉयलिटी है, अलग ही फॉर्म फैक्टर है, उसका दोस्तों अलग ही मजा है, क्योंकि दोस्तों वो एक फ्लिपेबल स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस डायनामिक एमलेट 2X डिस्प्ले मिल जाता है, अच्छा हुआ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिए, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1200 nits का पीक ब्राइटनेस, आपको दोस्तों HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है, 426 का PPI मिल जाता है, और दोस्तों आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों
फ्लिपेबल स्मार्टफोन है, स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं लग सकता है, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी दोस्तों कुछ भी काम कर रहे होगे, गेमिंग कर रहे होगे, एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होगा, और मल्टीटास्किंग करोगे तो काफी मजा आएगा। HDR 10 प्लस का सपोर्ट है तो कलर्स अच्छे मिलेंगे, एंड आउटडोर भी लेके जाओगे तो ब्राइटनेस लेवल्स अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छे, आपको दोस्तों जो स्क्रीन की ब्राइटनेस लेवल्स हैं, कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है, वो सब अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिर गया तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के कैमरास मिल जाते हैं। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन एकदम शानदार है, छकास एकदम। डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अगर सेल्फी की बात कर ले तो 10 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो दोस्तों एक छोटे से पंचोल के साथ आता है। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। अब यहाँ समझ आता है कि हाँ, सैमसंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये फ्लिपेबल स्मार्टफोन है ना, यहाँ पर तो कवर डिस्प्ले कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर हम लोगों को फिंगरप्रिंट लगाने का जगह मिल जाएगा। वो जो आगे में डिस्प्ले वो तो काफी छोटा है, वहां पर तो लग नहीं सकता है। यहाँ बात समझ आता है कि हाँ भाई, Z Flip 3 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पर UFS 3.1 का शो सपोर्ट मिलता है, LPDDR 5 RAM टाइप को ये भी सपोर्ट करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको 3300 mAh का बैटरी मिलता है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। 15 वॉट के वायर्ड चार्जर को सपोर्ट करता है, 10 वॉट के वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करता है, 4.5 वॉट के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जितने भी चार्जर्स हैं बॉक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, UI 3.5 के साथ रन करेगा, NFC को भी सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 को भी सपोर्ट करता है, और डॉल्बी एटमॉस के आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं यहाँ पर भी, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। गाने वाने आराम से सुनोगे पूरे तेज साउंड में, मजा आएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो डिजाइन वाइज जो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 है, देखने में काफी अच्छा लगता है। जो आगे का दोस्तों जो छोटा सा नोटिफिकेशन डिस्प्ले है, कवर डिस्प्ले है, काफी अच्छे लुक्स प्रोवाइड कर देता है, और काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ भी आता है। अगर दोस्तों देखोगे, खोल के अनफोल्ड करके देखोगे तो बेजललेस डिस्प्ले है, छोटे से पंच होल के साथ आता है, अच्छा लगता है। बिल्ड वाइज जाओगे तो आपको कंप्लीटली ग्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा, मतलब कि प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर रहेगा, और आगे कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, और एल्यूमिनियम हिंज के साथ आएगा, एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड वाइज बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, लेकिन अगर गिरेगा तो बचेगा नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, गिरने से बचाइएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको IPX8 का रेटिंग मिल जाता है, 1.5 मीटर में जाएगा, 30 मिनट तक टिक जाएगा पानी में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और ग्लोबली भी लॉन्च हो चुके हैं। देखो यार, इंडियन प्राइस अभी तक अनवील नहीं हुआ है, मैं आपको अमेरिकन प्राइस बता देता हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा। इंडियन प्राइस आपको मैं टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैं ये जो प्राइस बता रहा हूँ इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो अमेरिका में दोस्तों ये लॉन्च हुआ है $1,799 का सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, रैम वेरियंट्स नहीं बताया गया है। अगर दोस्तों इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो 1,33,500 रुपये, यानी कि 1,33,500 रुपीज। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 का जो दोस्तों अमेरिकन प्राइस है वो है $999, $999। इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँगा तो 74,130 रुपीज, 74,130 रुपये। देखते हैं यार इंडियन प्राइस क्या होता है, जैसे ही मुझे मालूम चलेगा टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स को परचेज करना चाहिए। देखो यार, यहाँ पर मैं अपने ओपिनियंस नहीं दूंगा। देखो यार, ये जितने भी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स होते हैं सैमसंग के, सभी लोग शौक के तौर पे इनको बाई करते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो जाके खरीद लेते हैं, जैसे एप्पल के स्मार्टफोन हो गए, सभी लोग तो खरीद नहीं सकते ना। वैसे दोस्तों फोल्डेबल स्मार्टफोन को सभी लोग नहीं खरीद सकते, अगर आपका शौक है, आपके पास पैसे हैं तो आप जाके बाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों मैं ओपिनियंस नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव्स बताना चाहूंगा। आईफोन 13 सीरीज के लिए वेट कर सकते हो, नहीं तो आईफोन 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स की तरफ जा सकते हो। आप कहां से आप इन स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हो, सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी इनका प्री बुकिंग चालू हो गया है, जल्दी जाके प्री बुक कर लो, दोनों स्मार्टफोन्स का चालू हो गया है, ₹2,000 लगेंगे। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 70 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसिंग कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।